हेलो दोस्तों, पेपर यानी कागज से कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि नोटबुक, कार्डबोर्ड, ईडीसी। लेकिन क्या आप जानते हैं कागज कैसे बनता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। कागज बनाने के लिए हम ऐसे पेड़ का चयन करते हैं जिसमें वुड फाइबर यानी लकड़ी के रेशे की मात्रा अधिक हो, जैसे कि पाइन, फर, यूकलिप्टस, बर्च ईडीसी। इन पेड़ों को काट करके फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी छाल को अलग कर देते हैं और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिन्हें वुड चिप्स कहते हैं। अब इन वुड चिप्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे एसिडिक सॉल्यूशन के साथ उबालते हैं, जिस वजह से वुड फाइबर और लिग्निन अलग अलग हो जाते हैं। लिग्निन एक सब्सटेंस होता है जो कि वुड को हार्ड बनाता है। अब इस बचे हुए वुड फाइबर को अच्छे से पानी से साफ करती हैं, जिससे बचा हुआ एसिडिक सॉल्यूशन निकल जाता है और फाइबर और भी ज़्यादा सॉफ्ट और क्लीन हो जाता है। लेकिन तब भी वह इतना साफ नहीं होता कि हम इससे पेपर बना सकें, इसलिए हम इसकी क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग करते हैं ऑक्सीजन और परऑक्साइड की मदद से, जिससे यह और भी ज़्यादा चमकदार और साफ हो जाता है। अब अगर हम इस ब्लीच किए हुए वुड फाइबर से सीधे ही पेपर बनाएंगे तो उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, जिस वजह से उसकी क्वालिटी थोड़ी कम रहेगी। इसलिए पेपर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम वुड फाइबर में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इस सारे मिक्सचर को पल्प या लुगदी कहते हैं। कागज बनाने के लिए लकड़ी के अलावा जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है वह है पानी। करीब 100 लीटर पानी से 1 किलो कागज बनता है। अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए तो हम 90% पानी को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो लुगदी बनाई थी उसमें हम बहुत सारा पानी ऐड कर देते हैं, जिससे वह पतली हो जाती है। और अगर हम कलरफुल कागज बनाना चाहते हैं तो इसी में हम कलर भी ऐड कर देंगे। इस सारे मिक्सचर को हम पेपर मशीन में भेज देते हैं। पेपर मशीन ही वह मेन मशीन होती है जो लुगदी को पेपर में कन्वर्ट करती है। पेपर मशीन में सीरीज में यानी लाइन से कई सारे रोलर लगे होते हैं, जिनमें से गुजर कर लुगदी पेपर में कन्वर्ट हो जाती है। पेपर मशीन में एक खास चैम्बर होता है जिसे हेड बॉक्स कहते हैं। इस हेड बॉक्स में हम लुगदी को डालते हैं। हेड बॉक्स में सक्शन ब्लेड लगे होते हैं जो कि लुगदी को प्रेशर के साथ रोलर पर भेज देती हैं। कई सारे रोलर में से लुगदी को पास किया जाता है, जिस वजह से लुगदी का पानी धीरे धीरे निकलता जाता है और पतला पेपर बनता जाता है। फिर आखिरी में इसे गर्म चैम्बर में भेजती हैं, जहां पर हॉट रोलर रहती हैं और उनके बीच में से निकाला जाता है, जिससे इसका सारा पानी निकल जाता है और सूखा हुआ पेपर बाहर आ जाता है, जिसे एक रोटेटिंग व्हील में इकट्ठा कर दी जाती हैं और एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है पेपर का। और फिर इस बड़े रोल में से छोटे छोटे रोल बना लिए जाती हैं, जिन्हें फिर पैक कर फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। फिर इन छोटे छोटे रोल से कॉपी, न्यूज़पेपर और भी डिफरेंट टाइप की पेपर की चीज़ बनती है। तो इस तरीके से पेपर बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल स्टैक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।